हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि लो रिजोल्यूशन फ़ोटो को हम हाई रिजोल्यूशन के अंदर किस तरह से फ़ोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट ए लो रिजोल्यूशन फ़ोटो इंटू ए हाई रिजोल्यूशन फ़ोटो। एंड दिस वीडियो इज कम्स फ्रॉम योर कमेंट। कमेंट करने वाले हैं सब्यहाची चटर्जी, फेराई, मयंक पटेल, सिराज अली, अब्दुल करीम और डॉक्टर संतोष कुमार। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। तो शुरुआत करते हैं किस तरह से हम लो रिजोल्यूशन को हाई रिजोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे फोटोशॉप के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखा रहा हूँ। नॉर्मली हम मान लीजिए कोई छोटी फोटो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस फोटो। तो जैसे मैं इसको जूम करूँगा फोटो व्यूअर के अंदर, जैसे जैसे हम जूम करेंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पर पिक्सल्स पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं फटे हुए। यानी कि इस फोटो की ओरिजिनल साइज जो है वो ये है। यहाँ से आप इस फोटो की ओरिजिनल साइज देख सकते हैं, ये इसकी ओरिजिनल साइज है। अब सवाल ये आता है कि हाउ वी कैन मेक दिस फोटो इन हाई रिजोल्यूशन। एंड सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वी कैन नॉट मेक हाई रिजोल्यूशन एज फोटो टेकन बाई ए DSLR कैमरा। कोई भी फोटो हो, छोटी सी फोटो को जब हम बड़ा करेंगे तो उसको हम हाई रिजोल्यूशन वैसा नहीं बना सकते। यानी कि ओरिजिनलिटी फोटो की जो होती है वो हम रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो जूम करने से यहाँ पर बड़ी फोटो के पिक्सल्स यहाँ पर फट रहे हैं, इनको स्मूथ बना सकते हैं और इसको शार्प बना सकते हैं और नॉइस रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं किस तरह से इस फोटो को हम हाई रिजोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये फोटो मैं फोटोशॉप के अंदर ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले गो टू इन इमेज मेन्यू एंड सेलेक्ट इमेज साइज। और आप यहाँ पर देख सकते हैं विड्थ 300 पिक्सल्स में है एंड हाइट 450 पिक्सल्स के अंदर है। रिजोल्यूशन इसका है 72। अब जब इस फोटो को हम बड़ा करेंगे तो यहाँ पर मैं साइज इसकी चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 300 की बजाय यहाँ पर 5000 कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली हाइट इसकी यहाँ पर आ गई है। रिजोल्यूशन आप इसका चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से 300 रिजोल्यूशन कर दिया तो और ज़्यादा हो जाएगी। 300 रिजोल्यूशन के साथ 5000 पिक्सल में यहाँ पर रख रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, रीसैम्पल के अंदर आएंगे। एक ऑप्शन है यहाँ पर रीसैम्पल के अंदर ऑटोमेटिक प्रिजर्व डिटेल्स और डी क्यूबिक डिटेल्स। तो सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर है जो प्रिजर्व डिटेल्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और रिड्यूस नॉइज जो है इसके अंदर फुल कर दें 100%। फिर हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे थोड़ी ही देर में ये आपकी फोटो यहाँ पर तैयार है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोटो को यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट, ये यहाँ पर डुप्लीकेट बनाए और यहाँ पर ये फोटो है इसके ऊपर हम वर्क करें। तो गो टू इन इमेज मेन्यू एंड सेलेक्ट इमेज साइज। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 300, हाइट 5000। ओके, नाउ यू कैन सी लार्ज साइज ऑफ फोटो एंड हियर यू कैन सी ओरिजिनल फोटो इन स्मॉल साइज। तो अगेन मैं जा रहा हूँ इमेज मेन्यू, इमेज साइज और यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑटोमेटिक एंड 300 रिजोल्यूशन एंड 5000 हाइट। यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ दीज टू फोटोज। प्लीज वॉच दिस वीडियो इन HD क्वालिटी, बिकॉज आप अगर HD क्वालिटी में नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंस शायद नज़र ना आए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस देखिए ऑटोमेटिक से, और यहाँ पर स्मूथ स्किन जो हो गई है इसका डिफरेंस आप देखिए। तो यहाँ पर फोटो बड़ी की है फिर भी यहाँ पर स्मूथ भी हो गई है। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बैक जाते हैं और इमेज साइज के अंदर, और यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ वापस 300, 5000 एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन है बिक्यूबिक स्मूथर।
ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो फोटो थोड़ा सा स्मूथ होगा और इसके अंदर यहाँ पर इसकी तरह यहाँ पर एज जो अनशार्प मार्क्स की तरह आ गए हैं इस तरह से नहीं आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर स्मूथ फोटो आ गई है। अब इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे देखिए, सबसे पहले फिल्टर नॉइस रिड्यूस नॉइस और यहाँ पर प्रिजर्व डिटेल को कम कर देते हैं। नॉइस रिड्यूस हम यहाँ पर कर रहे हैं, ओके करेंगे। उसके बाद में आप वापस जाएंगे फिल्टर के अंदर और यहाँ पर ऑप्शन है शार्पन का, यहाँ से आप अनशार्प मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फोटो के अंदर देखिए ओके, यहाँ पर मैंने अनशार्प मास्क यूज़ किया है और फिर ओके कर देंगे। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं अनशार्प मास्क से भी थोड़ी सी यहाँ पर फोटो शार्प हुई है। और उसके बाद में आप चाहें तो फोटो के ऊपर कोई फिल्टर यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेचर वगैरह, या फिर यहाँ पर मैं सरफेस ब्लर भी यूज़ में कर लेता हूँ। तो सरफेस ब्लर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस फोटो को यहाँ से मैं सेलेक्ट करने के बाद में यूज़ ले रहा हूँ हाई पास ओके, और उसके बाद में नीचे वाला जो बैकग्राउंड के अंदर लेयर के अंदर फोटो है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसको लेयर को सेलेक्ट किया, फिल्टर और ब्लर और सरफेस ब्लर, थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से भी सरफेस ब्लर से भी फोटो क्लीन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसी लेयर को ऑन करने के बाद में यहाँ से ओवरले करते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फोटो की साइज को लार्ज तो बना सकते हैं, बड़ी तो कर सकते हैं, यहाँ पर उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो क्वालिटी होगी फोटो की वो कभी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए याद रखें, जब भी आप अपने कैमरा से फोटो निकालें तो फोटो निकालने से पहले उसकी साइज फोटो की कैमरा के अंदर क्या सेट की हुई है वो चेक कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप फोटो स्कैन कर रहे हैं तो ज़्यादा DPI के अंदर फोटो को स्कैन करें। अगर छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो भी हमें स्कैन करनी होती है तो उस फोटो के हिसाब से मैक्सिमम जो DPI हम यूज कर सकते हैं वो करना चाहिए। और छोटी पासपोर्ट साइज के लिए 1000-1200 DPI तक भी आप सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास जो फोटो है किसी भी वजह से स्मॉल है और उसे आप बड़ा करना चाहते हैं, बड़े प्रिंट के लिए भी यूज में लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक प्लगइन भी बताया था एलियन स्किन, जिसका हमने रिव्यू का एक वीडियो बनाया था। तो वो प्लगइन से रिव्यू के वीडियोज़ के अंदर वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके अंदर भी मैंने बताया था कि आप उससे किस तरह से एक स्मॉल फोटो को बड़ा फोटो तैयार कर सकते हैं प्रिंट के लिए, उसमें भी अच्छा ऑप्शन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी मैं नए वीडियोज़ डालूंगा उनका अपडेट तुरंत आपको मिलेगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।